हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्म एक्टर आमिर खान के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रधान महासचिव, पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के नज़दीकी अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी भारत में डर लगने लगा है और इसके साथ ही शुरू हो गया है सियासी घमासान। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि भारत में अब रहने लायक माहौल नहीं है। उन्होंने अपने बेटा बेटी से कह दिया है कि तुम चाहो तो बाहर कहीं बस लो। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहां। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दे। ये दौर आ गया। दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भले ही मैं यहाँ हूँ मगर बेटा बेटी को कहा है कि विदेश में पढ़ाई कर रहे हो वहीं नौकरी मिले तो कर लो और मिल जाए तो वहाँ की सिटीजनशिप भी ले लो। अब इंडिया में वह माहौल नहीं रह गया है, ताज़ा हालात को नहीं झेल पाओगे। मातृभूमि छोड़ना तकलीफ देह है लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है। जैसे ही उनका बयान आया, इस पे आरजेडी के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से पूछा गया, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी बरस पड़ी। बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं राम सूरत राय, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट भी मारे और उन्होंने कहा कि बेटा बेटी ही क्यों, आप भी बाहर चले जाओ। निखिल आनंद ने कहा है ये देश की भावना के खिलाफ है, इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस देश में इतनी तकलीफ है, देश के नागरिक के तौर पर जो सुविधाएँ मिल रही है उसे छोड़ करके अब्दुल बारी सिद्दीकी पाकिस्तान चले जाए, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान निंदनीय है और इसे साफ पता चलता है कि किस तरीके की राजनीति करती है आरजेडी। जैसे बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया मिली वैसे ही एक बार फिर हमलावर हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी और उन्होंने कहा कि आजकल सबसे सस्ती गाली हो गई है, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान तुम्हारा बाप दादा होगा हमारा नहीं, हमारे बाप दादा भारत में हैं, भारत में रहें हम भी यहीं रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि एक कार्यक्रम में कहा था जहां पूर्व न्यायाधीश सहित कई बुद्धिजीवी मौजूद थे, मैंने पूछा था कि अगर छात्रों को यहां अवसर मिलता है तो वे विदेश क्यों जाएंगे, कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत का उपयोग कर रहे हैं। ये बयान सिर्फ बीजेपी को ही नहीं चुभी, नीतीश सरकार को भी चुभी है। तभी तो जेडीयू नेता हैं, मंत्री हैं संजय झा ने कहा है कि देश में माहौल ठीक है, यहाँ कोई माहौल ख़राब नहीं है, कम से कम बिहार में तो हरगिज नहीं, सौहार्दपूर्ण वातावरण है। नीतीश कुमार ने माहौल को बेहतर रखा, इस देश ने हमें सब कुछ दिया है, जो कुछ कमियाँ है उसे हम मिलजुल करके ठीक कर लेंगे। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, फिलहाल वे पार्टी प्रधान महासचिव पद पर हैं। इन्हें आरजेडी सुप्रीमो का भरोसेमंद और करीबी नेता माना जाता है। 1980 से लेकर के अलग अलग सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लालू और राबड़ी सरकार में वित्त मंत्री जैसे अहम पद पर रह चुके हैं, फिलहाल आरजेडी के प्रधान महासचिव है और उनके ये बोल है। इसके पहले आमिर खान ने भी बहुत पहले कहा था कि यहाँ पर अब डर लगने लगा है, उसको लेकर के आमिर खान जो एक्टर हैं उनको काफ़ी ट्रोल किया गया था और अब अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान चर्चे में है। रही नब खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।